लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड और नॉट? क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरे को बताया किचन तो नहीं जा रही हो, मेरे को पता है बेलनी बेलनी मत लाना, मेरे को डर लग, बेलनी लाओगे ना? Hey guys, welcome back to my another video. So, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, because मुझे हर वक्त ताने मिलते हैं कि मैं देखो बहुत ज़्यादा जानती हूँ, सबसे ज़्यादा जानती हूँ. तो आज मुझे फाइनली पता चलने वाला है कि मुझे कितना जानती है गाइस, कि मैं उसको बहुत ज़्यादा जानती हूँ. उसको देखिए मुझे सब पता है, फेवरेट हर चीज पता है इसके बारे में. चल झूठा. तो ठीक है, देखते अब वो 12, मैं बताती हूँ आपको. मैं यहाँ पे 13 या 14 मेरे को नहीं पता, पर मैं इतने सारे क्वेश्चन रखी हूँ तो मैं लिख के रखी हूँ. मैं नहीं दिखाऊंगा. तो मैं एक एक करके आंसर मुझे सच बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है. मतलब मैं अभी लिखी हूँ, क्वेश्चन भी नहीं पता है मुझे कि ये क्या क्या क्वेश्चन देने वाली है. मतलब मैं इनको आइडिया नहीं दी हूँ कि मैं क्या क्या लिखी हूँ. तो शाबाश, फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. तो खाने से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मेरा फेवरेट है खाना. हाँ ये कर लो पहले. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज माय फेवरेट स्ट्रीट फूड. वो सब मैं कैसे के फ्रेंड्स लोग भी जानते हैं. पानी पूरी. मुझे रोना आ रहा है यार. फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर कोई सही दे दे इतनी खुशी. तो गाइस पानी पूरी. हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स माय फेवरेट कलर. कलर देखते हैं. देखो कलर तो वैसे भी चेंज होते रहता है सबका. हाँ बट ना एक बात बता रही हूँ, मेरा ना एक टॉप में है और एक मतलब उसको छोड़ के बाकी एक कलर है. डोगो पीछे से बता रहे हैं पिंक. मुझे पिंक पसंद, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पिंक. ब्लैक. हाँ अरे मतलब ब्लैक टॉप में है. एंड देन एक बताना है. अगर सच में बता दूँ ना तो मैं किसी कर दूंगी. देखो और बंद करो हाथ जोड़ के. मैं अगर इसके बाद ये लास्ट है, मैं सच बता रही हूँ. और मैं ऐसे नहीं सुनूंगी. ऑरेंज ग्रीन फिर पिंक फिर लाइन से फिर लास्ट वाला सही रहेगा. सारे हो गए सब. हाँ पसंद है येलो. हाँ मुझे भी पसंद है. पता नहीं मैं भूल ही गई थी ध्यान से. ये सही ओके. नाउ यू टेल मी माई 12th परसेंटेज. 89. ओके दिस इज राइट आंसर. तो ये एकदम सही था. 89 में कोई इतनी ताने पड़ी थी कि एक और पर्सन हाँ, ले आती तो 90 हो जाता. 90 से मैं बोली थी. हाँ. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय फेवरेट ड्रेस. ड्रेस मतलब मैं आपको ऐसे बताती हूँ, एक वेस्टर्न और ट्रेडिशनल. सबको ही पता है वेस्टर्न ही पसंद है. आई लव वेस्टर्न ड्रेस. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये मेरे को नहीं लगता कि मतलब मैं बता पाएंगी थी. व्हाट स्केयर्ड मी व्हेन आई वाज किड. मैं सबसे जो आदम के उससे डरती थी. किसे बचपन में कि अभी? बचपन बचपन में तो इसे ये चूहा से डरती थी. थोड़ी बच्ची हो क्या?
सही है। लिटरली गाइस मैं आपको एक बार बताती हूँ, एक बार हुआ क्या था पता नहीं, मेरे को घर वर में था क्या, तो एक मतलब रैट आ गया था मेरे पैर में, और मैं ना सच में इतना तेज जंप की थी, मतलब जंप करने के बाद पैर में इतना दर्द हुआ था। और ना उस टाइम पापा मेरे को क्या बोले थे क्या बोले थे चूहा ही तो है शायद ना, बोले थे कि चूहा पड़ा है कि तुम बड़ी हो, क्या बात हो यार, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार चूहा, और मेरे को ऐसे ही डांट खाने मिलता था। सो ये भी मतलब काफी जान भी है दिन इतना ज्यादा। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ माई फेवरेट टीचर। हॉस्टल में सती मैडम कुछ भी मेरे फ्रेंड लोग देख रहे हैं ना, अभी बेहोश हो गए, उन्हें कसम खा के बता रही हूँ। एट तक तो समझ में आता है, बाकी कॉलेज वाला तो मुझे पता नहीं ना कौन सा टीचर है। अपने नाम मत ले तो क्या फेवरेट राहुल आचार्य जी या वो रमेश आचार्य जी, दोनों में से एक थे। बट ना वो ठीक है, उस टाइम मेरे को सभी पसंद थे, बट एक स्कूल में मैं आपको बता रही हूँ, सौरभ सर थे वो, बेसिकली हमको केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो उनको सब्जेक्ट भी बहुत पसंद था उस टाइम, और सौरभ सर मेरे फेवरेट थे। अच्छा, कहाँ के ये सर? ये नागपुर के ही है, और ये नागपुर के ही है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन बचा है, तो ये तो सो माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथ। आई लव मैथ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि मेरे सारे उसमें मैथ में बन जाते थे और तो कुछ याद ही नहीं होता था। चलो तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू आई लाइक द मोस्ट, मतलब एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, सब एकदम से खाना मत बोल रही हूँ। घूमना, हाँ घूमना तो पसंद है, घूमना सोना थोड़ा तारीफ कर देते, सोना हाँ मुझे सोना पसंद है। एक और है शॉपिंग करना, घूमना, है सोना खाना पीना घूमना शॉपिंग करना यही सब, हाँ ये सब है, बाकी हाँ ये सब है, सही है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो टेल मी माय फेवरेट चॉकलेट फ्रॉम चाइल्डहुड एंड नाउ। चाइल्डहुड फाइव स्टार एंड नाउ बहुत प्यार करती हूँ फाइव स्टार से, कैडबरीज, हाँ कैडबरीज, और एक मतलब उसमें एक फ्लेवर है ना, फ्लेवर है उसमें कॉफी वाइट, दो दिन पहले भी हम लोग खाए थे शायद कॉफी वाइट पीनट, ठीक है बट फाइव स्टार और डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क ना, बाकी फ्रूट एंड नट माय फेवरेट। ओके सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स माय फेवरेट कार्टून। डोरेमोन है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो मेरा लिटरली गाइस डोरेमोन ही फेवरेट है, और बचपन से ही फेवरेट है, और अभी तक ही फेवरेट है, हाँ। तो मेरा फेवरेट गेम क्या है दी, गेम क्या है, और मैं उसमें काफी विन होती हूँ, कैरम इतनी कैरम के तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन रह गए हैं। माय फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, एक्ट्रेस तो पता है दीपिका पादुकोण, गलत है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो है ना मैं ही हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, दीपिका पादुकोण है, सच है, और एक्टर जो है ना मतलब थोड़ा राजकुमार दादा, आपने मतलब आप तो मेरे फेवरेट ही हो, बट राजकुमार राव ना, हाँ मेरा कुछ दिन पहले तो मैं
वो तो हर बार चेंज होते हैं यार। बट अभी का पता है ना, अभी का पता नहीं, लेकिन राजकुमार राव तुमको पसंद थे, मुझे पसंद थे। हाँ और अभी के क्या हैं? बट अभी की याद करो ना, याद करो, कुछ कुछ मैं देखती थी, अच्छा लगता, वैसे ही दिखता है, सच बता रही हूँ। हाँ लिटरली राजकुमार राव टाइप भी दिखता है थोड़ा सा, थोड़ा सा। आपने कोटा फैक्ट्री देखा होगा, पंचायत देखा होगा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? एक्टर है, इंडियन एक्टर है। अच्छा नहीं नहीं, हाँ अच्छा, हाँ एक्टिंग तो ना, हाँ वो पता नहीं मेरे को ना, मैं ज्यादा ना एक्टिंग देखती हूँ, क्योंकि मेरे को भी एक्टिंग पसंद है, तो बहुत पसंद है उसका। उनका नाम है जितेंद्र कुमार। आज से सेकंड क्वेश्चन है, माय फेवरेट फेस्टिवल, और या फिर ये बोल सकते हो मेरे को, मतलब 365 डेज में पूरा ईयर में मेरे को सबसे अच्छा डे कौन सा लगता है, और फेस्टिवल। हाँ भाई फेस्टिवल उसी दिन ही तो रहेगा ना, फेस्टिवल डे रहे, और बस ना एक्सेप्ट मेरे बर्थडे को छोड़ के, मेरे बर्थडे को छोड़ के, बर्थडे को सब कह रहा हूँ, तो मेरे बर्थडे को छोड़ दीपावली वाली नहीं, मतलब ठीक है पर तुमको होली पसंद नहीं है। होली में बहुत, हाँ तो वो आती है राखी, रक्षाबंधन। भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना। हाँ तो माय फेवरेट फेस्टिवल इज राखी, बिकॉज हम लोग मतलब फाइव ब्रदर और सिस्टर हमें मिलते हैं, तो मतलब मजा आ जाता है। ओके सो माय लास्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज सो हॉरिबल फॉर मी, मतलब इसके लिए मेरे को यहाँ पे थप्पड़ पड़ सकते हैं, मेरे को बड़ा डर लग रहा है, पूछूंगी नहीं पूछूंगी, पूछ लो नहीं मारूंगी, ठीक है वीडियो जल्दी ना, इसीलिए वीडियो के बाद मारोगे मतलब यार। पूछो ना। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड और नॉट? किचन तो नहीं जा रही हो, पता है बेलनी बेलनी मत लाना, मेरे को डर लग, बेलनी लाओगे ना, मेरे को पता है इंडियन इंडियन सिस्टर इंडियन मॉम सब ऐसे ही करते कि वो बेलनी लाते हैं, और क्या क्या बोलते हैं, बैट बॉल तो नहीं ला रही है डोकू का, क्या ऐसा मत कर। आईना थोड़ा पुराना है लेकिन ये सच्चाई दिखाता है, पहले अपनी शक्ल आईने में देख लो, म्यूजिक। हाँ तो हो गया, और बेइज्जती किसको सहन करनी यार इस वर्ल्ड में बताओ, और आगे नहीं बढ़ा जाएगा और अच्छा हो गया। बहुत ज्यादा जानते हो, बस थोड़ा कलर में दिक्कत हो गया और टीचर में, बाकी उसका कोई वो दिक्कत नहीं है, कलर तो चलो हाँ चेंज होता रहता है, मेरे टाइम ब्लू था, ब्लू भी था और अभी येलो हो गया, कभी ग्रीन अचानक से पसंद आ जाता है, ग्रीन ड्रेस चाहिए, तो टीचर का भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सभी इसके लिए एक ऐसे प्लान किसने दे देती है, इसके लिए एक लाइक बनता है, लाइक तो आप वीडियो को बहुत सारा लाइक करो, बहुत सारा सब्सक्राइब करो, बस दो नहीं सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए, ओवर लाइक मत करना क्योंकि अनलाइक हो जाता है, और सब्सक्राइब करो गाइस, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।